हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रजनी वी व्लॉग। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं ये वाला सूट पहनने वाली हूँ, न्यू है अभी, इसको एक बार सिर्फ पहना है। और आज है नागपंचमी और मंडे भी है, तो आज मैं ये वाला पहनने वाली हूँ। और पूजा करना है तो मैं यहाँ सुबह का सारा काम निपटा के और नहा के आ गई हूँ। ये देखिए, तो बस कुछ इस तरीके से इसका लुक है। कुर्ता प्लाजो और दुपट्टा है, ये देखिए। तो मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ और अब मुझे पूजा करना है। और हस्बैंड भी नहा चुके हैं, तो कैसा लगा हमारा ड्रेस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ हस्बैंड नहा धो के तैयार हो गए, ये भी मंदिर जा रहे हैं पूजा करने, और व्रत भी हैं। तो हम बनाएंगे चने की घुघनी। तो चने को मैंने रात में भिगो दिया था और ये अच्छे से भीग गया है, तो हम इसको साफ पानी से, दो पानी से धो लेंगे। और चने को हम अलग निकाल के रख देंगे थोड़ा सा। और नागपंचमी के दिन चना और चावल, दूध, ये सब चढ़ाया जाता है। तो ये देखिए, मैं यहाँ निकाल के चावल और चना रख दी हूँ धो के। और अब हम इसमें दूध डाल देंगे और जिसको पूजा करना है, चढ़ाना है, वो सब लोग इसी में से चढ़ाएंगे। कच्चा दूध है तो मैं इसको डाल के अलग रख देती हूँ। और उसके बाद में हम घुघनी बनाएंगे। तो ये देखिए, घुघनी बनाने के लिए हम यहाँ चना रख लिए हैं और यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो गया तो हमने इसमें जीरा डाला है, और जीरा चटक गया है तो कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च डाल दिया है, कुछ कलियाँ लहसुन की हैं। और अब इसको हम चलाते हुए भून लेंगे। तो ये देखिए, तड़का हमारा तैयार हो गया है। और अब हम इसमें डाल देंगे चने। चने की घुघरी बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो हमने इसमें चना डाल दिया है और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, जितना हमें खाना है हम उसी हिसाब से डालेंगे। और नागपंचमी वाले दिन घुघरी बनता है, सिवाई बनता है, और घुघरी अक्सर नागपंचमी वाले दिन बनता ही बनता है सुबह सुबह नाश्ते में। और यही मतलब दूध, चना, चावल यही चढ़ता भी है, नाग भगवान की पूजा होती है। और अब हम इसमें डाल देंगे आधा गिलास पानी, और डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करके बंद करके रख देंगे मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए। तो अब इसको हम ढक देंगे अच्छे से और पकने देंगे, और तब तक हम यहाँ पे पूजा कर लेंगे। तो ये देखिए, आंगन में और कमरे में, बाहर दरवाजे पे मतलब चढ़ाया जाता है दूध, चना, चावल नाग देवता को। तो ये देखिए, ऐसे ही सब जगह, ये मम्मी पहले पूजा करके गई हुई हैं तो हम भी चढ़ा रहे हैं यहाँ पे, जहाँ जहाँ उन्होंने किया है वहाँ वहाँ पर हम भी करेंगे। तो ऐसे ही सब जगह पूजा करेंगे, मतलब चढ़ा देंगे दूध, चावल और चना। उसके बाद में मंदिर में जाएंगे, वहाँ पूजा करेंगे। और घर के मंदिर में हमने दीपक जला दिया है, पूजा कर दिया है, तो हम यहाँ आ गए मंदिर में। और साथ में हमारे बाबू भी हैं, तो मैंने उनको फ़ोन पकड़ा रखा था रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो उनका हाथ बार बार आ रहा है कैमरे के सामने, लेकिन प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। तो वो बच्चा है, नहीं जान पाता है, और मैंने पूरी कोशिश की है रिकॉर्ड करने की, तो मैं यहाँ पूजा कर रही हूँ। और बाबू को बहुत ही जल्दी रहता है कोई भी काम करने में, तो इसलिए वो दूध और चना पहले ही चढ़ाने लगे। ये देखिए, कह रहे हैं सबसे पहले मुझे पूजा करने दीजिए, आप बाद में कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पूजा कर लेती हूँ। और मंदिर में दो तीन छोटे छोटे से बच्चे थे, वो भी सब पूजा करने के लिए आए थे, वहाँ पे खड़े थे इंतज़ार में। और हमारे बाबू की वहाँ पे नौटंकी हो रही थी कि पहले मुझे करना है, बाकी सबको बाद में करना है। तो मैंने कहा मैं पहले कर लेती हूँ। तो ये देखिए कितनी जल्दी है उनको, ये देखिए। और अच्छा भी लगता है, बच्चे भी सबके साथ में अपना भगवान का पूजा कर लेते हैं, नाम ले लेते हैं, अच्छा रहता है। तो यहाँ पर चढ़ा दिए हैं और दो पत्ती लगा दिए हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, बच्चे खड़े थे तो हमने उनको भी पूजा कर लेने दिया। हमने कहा इंतज़ार खड़े
खड़े कब तक करते रहोगे? तो यहाँ पे सब पूजा पाठ करके फिर वापस घर जाएंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ चना और चाय प्लेट में निकाल लिया है क्योंकि बन चुका था, आए उसके बाद में चला दिया है तो हो गया था। तो सबने नाश्ता किया और उसके बाद में यहाँ देखिए रुद्राभिषेक हो रहा है मंदिर में। तो सबने नाश्ता किया, उसके बाद में हम सब लोग बाहर आ गए और किसी को बुलाया नहीं था, बस देखे बाहर हो रहा था तो हम भी आ गए यहाँ पे, क्योंकि भगवान जी की पूजा में शामिल होना कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ पे पूजा हो रही थी तो हम लोग भी आ गए पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे सारा कुछ, यहाँ पूजा हो गया था, बस आरती करना बाकी रह गया था। तो हम सब ने आरती किया। आज ही के दिन यहाँ इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की गई थी यहाँ पे। तो आज ही के दिन रुद्राभिषेक होता है और 2 साल हो गए, लगभग 2 साल हो गए, तो इसीलिए इसी दिन रुद्राभिषेक होता है। तो हमेशा नहीं होता, हर बार नहीं होता है, तो बस ऐसे पूजा पाठ करके आराम से मतलब सब कुछ अपने घर पे आराम से कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी प्रसाद चढ़ाया है और पूजा किया है, यहाँ झंडा लगा हुआ है हनुमान जी का। और उसके बाद में हम सब लोग आ गए, तो हम यहाँ बना रहे हैं बिट्टू के लिए गुड़िया। और आज गुड़िया है, इस त्यौहार को नागपंचमी को गुड़िया बोलते, तो मतलब बोलते हैं है, यही त्यौहार है गुड़िया का। तो हम इस कपड़े से बिट्टू के लिए छोटी छोटी सी गुड़िया बनाएंगे। तो हम 1-2 चने की बनाएंगे और कपड़े की बनाएंगे, दोनों मिक्स बनाएंगे। तो मैंने ये नया कपड़ा लिया है, छोटा सा टुकड़ा है, और इसको हम 4-5 मतलब 4-4 इंच का टुकड़ों में इसको हम कट करेंगे बराबर से। तो हम 2 तरीके से बनाएंगे गुड़िया, एक में चना डालेंगे और एक में कपड़े। तो पहले हम इसको कट कर लेंगे। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो देख ही रहे हैं तो एक लाइक भी कर दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसके कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। और प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखिए और मेरा सपोर्ट कीजिए, मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है या फिर उसमें कुछ गलती होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो यहाँ पे मैं कपड़ा फोल्ड करके और इसको हम ऐसे 4 टुकड़ों में बराबर से कट कर लेंगे। तो ये देखिए हम इस तरीके से कट करेंगे एक साथ। और इस गुड़िया को बहन डालती है और भाई लोग पीटते हैं गुड़िया, ये मतलब पता नहीं क्या है सिस्टम है ये, मतलब भाई बहन का है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है। तो यहाँ पे हमने गुड़िया बना के लिए कपड़ा कट कर लिया है और इसको बीच से हम और कट करेंगे। ये देखिए बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे और इसके ऊपर हम कपड़े रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको कट किया है और अब इसमें हम कपड़े रखेंगे। तो कपड़े को हम ऐसे ही मोड़ के और इसमें रख देंगे, तो उल्टे साइड में रखेंगे तब वो पीछे से कलर में डिज़ाइन उसकी अच्छी लगेगी। ये देखिए ऐसे इसको रख के और धागे से हम बांध देंगे, इसको टाइट कर देंगे अच्छे से। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको जैसे पकड़ रखा है बस इसी तरीके से इसको हम बांध देंगे धागे से। तो ये देखिए मैंने गुड़िया बना ली, 7 बनाया है, बहुत ज़्यादा नहीं बनाया है, बस 7 ही गुड़िया बनाया है। ये देखिए बस ऐसे ही इसको बनाना है। तो इसी तरीके से हमने बना लिया है सारे, और इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगा क्योंकि बिट्टू भी परेशान कर रही थी, बाबू भी थे, बात नहीं मान रहे थे। तो लगभग 1/2 घंटा इसको लग गया बनाने में, रख दिया, जब बिट्टू रोने लगी हैं तो सो गई हैं, उसके बाद फिर मैंने बनाया है। ये देखिए तो मैंने बना के तैयार कर लिया है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ नागपंचमी कैसे मनाया जाता है। और उसके बाद में हमने यहाँ पर आलता लगवाया, और नाउन दादी आती हैं हमारे यहाँ आलता लगाने के लिए, जब भी कोई भी त्यौहार होता है तो वो आती हैं। तो यहाँ पे मैं उनसे आलता लगवा रही हूँ अपने पैरों में, तो मैं उनसे बोली कि डिज़ाइन बना दीजिए कोई अलग, कोई अच्छे से डिज़ाइन। उन्होंने बोला मुझे नहीं आता, बस वैसे सिंपल सा आता है, सिंपल सा लगा देंगे। तो हमने कहा ठीक है ऐसे ही लगा दीजिए, और मैं तो सिंपल सा हमेशा लगाती हूँ जब भी लगाना होता है।
तो मैं सिंपल सा लगा लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे उनसे आलता लगवा रही हूँ और बिट्टू को खड़े होके देख रही हैं, उनको भी लगवाना है, बड़ा मज़ा आ रहा है देख के। और फ़ोन हिल रहा है क्योंकि बाबू हाथ पकड़ रखे हैं, मैं दिखा नहीं सकती, दोनों मेरे अगल बगल खड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे हैं। तो ये देखिए मैंने पैरों में आलता लगवा लिया है और आलता लगाने के बाद देखिए पैर कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और फिर मैं उनके लिए पैसे और वो मतलब चावल और लेने चली गई, तो ये देखिए दादी ने उनको पहले ही लगा दिया बिट्टू को, मैं वहाँ थी भी नहीं और उसको लगा दिया। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने दाल भिगो के रखा है, मतलब दही बड़े बनाने के लिए। तो यहाँ पे दाल को हम धो के अच्छे से इसका जो छिलका है वो सारा निकाल देंगे और उसके बाद में हम पीस लेंगे। और दाल चावल हमने चढ़ा दिया है, हो गया है मिक्स वाली दाल। तो मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि बिट्टू रो रही थी, तो यहाँ पे मम्मी बना रही हैं दही बड़ा। मैंने पीस के सारा व्यवस्था जो था वो मैंने कर दिया है, बस मम्मी बना रही हैं। यहाँ पे दही बड़ा बनाएंगी और बहुत सारी चीज़ें वो बनाने वाली हैं। और वीडियो शूट करने में आज बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि बिट्टू बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो मैंने पूरा मतलब नहीं रिकॉर्ड किया है, बस थोड़ा थोड़ा सा किया है। और कभी कभी वो बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगती है, रोने लगती है। तो ये देखिए मम्मी ने बड़ा बनाया है और एकदम फूले फूले से अच्छे अच्छे बने हैं। तो यहाँ उसके बाद पूड़ी बना रही हैं और लौकी की चिप्स बनाएंगी और उसके बाद में वो प्याज के पकौड़े बनाएंगी, मतलब वो सारी चीज़ें बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे भी लिए क्योंकि वो अकेले बना रही हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है उनको भी काम करने में, और बिट्टू बिल्कुल भी नहीं रुक रही है, वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही, रो रही है, और दोनों बच्चे हैं बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया। और उसके बाद में हम यहाँ बिट्टू को तैयार करेंगे। तो बिट्टू का ये न्यू ड्रेस है, मम्मी लेके आई हैं और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, बिल्कुल प्योर कॉटन है। और ये देखिए बहुत ही सुंदर सा फ्रॉक है छोटा सा। तो आप लोग को बिट्टू का ड्रेस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसको मम्मी 2 दिन पहले लेके आई थी तो मैं नहीं पहनाया है, आज पहनाऊँगी। और ये बिट्टू की न्यू सैंडल है, मम्मी लेके आई हैं, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। जो बच्चों का ड्रेस होता है और मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है क्योंकि वो छोटा सा होता है, और इसकी सैंडल देखो कितनी मस्त लग रही है। तो यहाँ पे हम बिट्टू को तैयार कर देंगे और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही है इसको देख के। तो ये देखिए तैयार हो गई है और कितनी क्यूट लग रही है ड्रेस पहन के, न्यू और बहुत खुश हो रही है। ये देखिए नई सैंडल, नया ड्रेस, बहुत मज़ा आ रहा है उसको। और उसके बाद में मैंने गुड़िया पीटने के लिए यहाँ पे ये देखिए डंडे को छील के और इसमें कलर लगा दिया, क्योंकि घर पे कोई नहीं है और मार्केट से लाने वाला कोई नहीं है, तो मैंने बस बाबू के लिए इतना सारा व्यवस्था किया। और उसके बाद में यहाँ पे रात हो गई थी क्योंकि लाइट नहीं थी और बच्चे अकेले नहीं कर पाते, तो यहाँ पे जब लाइट आई है तब बच्चों ने गुड़िया पीटा है। तो यहाँ पे देखिए कैसे गुड़िया पीटा जाता है, एक एक करके डालेंगे और सारे बच्चे इसको डंडे से पीटेंगे। और उसके बाद में यहाँ पे बच्चों को चना दिया जाएगा खाने के लिए, बहुत अच्छा लगता है और बच्चे भी बहुत खुश होते हैं देख के, और ये सारा करके बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए इतना सारा एक साथ डाल दिया है और बच्चे पी रहे हैं। मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही हूँ और मम्मी लोग सब लोग यहाँ पे खड़ी हुई हैं, तो मैं सबको नहीं दिखा सकती क्योंकि परमिशन नहीं है। तो मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना कोशिश करती हूँ सारी चीज़ें दिखाने की। तो ये देखिए यहाँ पे बच्चे पीट रहे हैं, ये देखिए ऐसे ही इसको पीटा जाता है, लेकिन बहुत खुशी मिलती है, बहुत ही मज़ा आता है। और बाबू भी हमारे यहाँ। और मैं अपना ब्लॉग अब यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।